सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्या बाई के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है। अहिल्या तुकई से बोलते हैं कि समझ में नहीं आता भाऊजी, कहाँ कम पड़ रही हूँ मैं। तो तुकई बोलते हैं कि नहीं अहिल्या, तुम कहीं भी कम नहीं पड़ रही हो, तुमने तो एक मूर्तिकार की तरह पूरे मालवा को तराशा है। अब अगर किसी पत्थर में आकार लेने की क्षमता नहीं है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अहिल्या तुम भी तो सच्चाई छिपा रही हो, मल्लारो सरकार से सच्चाई छिपाना क्या ये सही है? और अगर दरबार में ये बात साबित हो गई कि उस लूट के पीछे तुम्हारा हाथ था तो अहिल्या बोलते हैं कि हाँ तुकई बाबूजी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मालराव ये बात कभी भी साबित नहीं कर पाएगा। और अगर उसने ये साबित भी कर दिया तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमने जो भी किया वो एक अच्छे इरादे से किया है, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो तुकई बोलते हैं कि फिर तो ये और भी सही बात है, तुम खुद ही जाकर मल्लारो सरकार को सब सच क्यों नहीं बता देती? तो अहिल्या बोलते हैं कि क्योंकि इससे उनके सामने मालराव का सच नहीं आएगा, मालराव के कर्मों का लेखा जोखा उनके सामने नहीं आएगा। अब जैसे मालराव बड़ा हो गया है, चतुर हो गया है, और अब उसे आईना दिखाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं भी दुविधा में हूँ, और मेरी दुविधा ये है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन है तो वो मेरा बेटा ही ना। अगर इंसाफ के लिए मालराव ने दरबार का रास्ता चुना है तो यही सही, और मैं गलत हूँ या सही ये तो शिव जी बताएंगे। मैं नहीं जानती कि कल दरबार में क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो भी होगा वो मेरी प्रजा के हित में ही होगा। और इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है कि मल्लारो सरकार दरबार में आते हैं, और वो तुकई से बोलते हैं कि दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। और तभी तुकई जी खड़े होते हैं और बोलते हैं कि इतिहास हमेशा कठिन क्षण में ही बनता है, आज इस दरबार में ऐसा ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि शाही खजाने की लूट हुई है, और इस संबंध में राजकुमार मालराव ने छोटी रानी अहिल्याबाई होलकर को आरोपी के रूप में नामांकित किया है। सरकार आरोपी अहिल्याबाई होलकर को दरबार में बुलाने की अनुमति दीजिए। और तभी मल्लारो सरकार अहिल्याबाई को अंदर बुलाते हैं, और तभी दिखाया जाता है कि अहिल्या दरबार में आती है, और अहिल्या को इस तरह दरबार में देखकर मल्लारो सरकार बहुत भावुक हो जाते हैं। और तभी मालराव बोलते हैं कि सरकार दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए, तो मल्लारो बोलते हैं कि हाँ कहो तुम्हें क्या कहना है। तो मालराव बोलते हैं कि हमारा आरोप है कि मालवा की छोटी रानी यानी कि हमारी आई साहब अहिल्याबाई होलकर ने अपनी पहुँच और अपने पद का इस्तेमाल करके शाही खजाने को लूटने का अंजाम किया है, और अब ये। और तभी मल्लारो सरकार बोलते हैं कि बस मालराव, और वो अहिल्या से बोलते हैं कि राजकुमार मालराव ने तुम पर जो आरोप लगाया है कि तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर शाही खजाने को लूटा है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है? तो अहिल्या बोलते हैं कि बाबा साहब मालराव ने मुझ पर जितने भी सारे इल्जाम लगाए हैं वो बेबुनियाद है। और तभी मालराव बोलते हैं कि बहुत बढ़िया आई साहब, लेकिन दादा साहब आई साहब ने इस इल्ज़ाम को नकार दिया है, लेकिन यही सच है। तो मल्लारो सरकार बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है कि अहिल्या ने शाही खजाने का हेरफेर किया है? तो मालराव बोलते हैं कि हाँ दादा साहब हमारे पास ऐसा ठोस सबूत है जिसे आप भी मानेंगे, और हमारी आई साहब अहिल्याबाई होलकर भी इसे नकार नहीं सकेंगी। दादा साहब इजाज़त दीजिए। तो मल्लारो बोलते हैं कि इजाज़त है, और तभी दिखाया जाता है कि मालराव मुक्ताबाई को अंदर बुलाता है, और मुक्ताबाई को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि मुक्ताबाई अहिल्या की तरफ देखती है और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना आई साहब। और तभी दिखाया जाता है मल्लारो सरकार मालराव से बोलते हैं कि ये सब क्या है, तुमने अपनी बहन मुक्ताबाई को यहाँ पर क्यों बुलवाया है जबकि तुम जानते हो कि ये एक नादान बच्ची है? तो मालराव बोलता है कि जी दादा साहब हम अवश्य जानते हैं कि मुक्ता एक नादान बच्ची है, लेकिन यही हमारा सबूत भी है उस आरोप का जो हमने आई साहब पर लगाया है, और वो आरोप अभी सिद्ध हो जाएगा। और तभी मालराव मुक्ता से बोलता है कि मुक्ता इधर उधर मत देखो, ये न्याय प्रणाली का हिस्सा है और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम सबको सच बताओ। लेकिन मुक्ता कुछ नहीं बोलती। तो मालराव बोलता है कि हमने कहा ना मुक्ता कि तुम डरो मत, डर की वजह से दुनिया के कई सारे सच छिप जाते हैं, तुम बिना डरे सच बताओ। और तभी तुकई जी बोलते हैं कि माफ़ करना सरकार, मुक्ता इस वाड़े की बेटी है, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि एक बेटी को इस तरह दरबार के बीचों बीच खड़ा करना सही नहीं है, सरकार आप ऐसा मत होने दें, मेरी आपसे विनती है, ये एक बेटी को अपमानित करने जैसा है। लेकिन तभी मालराव बोलते हैं कि काका साहब हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप बार बार मुक्ता को बच्ची बताकर शाही खजाने की लूट को दबाइए मत, हम समझ सकते हैं कि ये कठिन है, पर क्या है ना हम बार बार इस तरह मुक्ता को दरबार में नहीं ला सकते, और इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, आज का दिन विशेष है, उसे बोलने दीजिए, अगर वो बोलेगी नहीं तो दादा साहब अपना निर्णय कैसे लेंगे? और तभी मल्लारो बोलते हैं कि तुकई जी जिस तरह न्याय प्रणाली के अंतर्गत ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता, उसी तरह न्याय प्रणाली में रिश्ते नाते बेमायने होते हैं, फिर चाहे वो माँ हो बेटा हो बेटी हो या पोती हो, न्याय के सामने सब एक समान हैं, इसलिए विचलित मत होना और इस तरह भावुक होकर दरबार की कार्यवाही में रुकावट मत डालिए, बैठ जाइए। तो तुकई जी बैठ जाते हैं, और तभी दिखाया जाता मालराव मुक्ता से बोलता है कि मुक्ता बोलो, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ, बोलो, सब लोग जानना चाहते हैं कि शाही खजाने की डकैती के बारे में तुम क्या जानती हो। और तभी मालराव रकमाबाई की तरफ देखता है और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि रकमा आकर मालराव को बताती है कि अहिल्या ने तुकोजी और जशवंत के साथ मिलकर यह योजना बनाई है। तो मालराव बोलता है कि लेकिन सबूत क्या है? तो यशवंत बोलता है कि तुम्हारी बोली वाली बहन मुक्ता, मैं अभी अभी अपने कानों से सुनकर आई हूँ, अकेली खड़ी होकर रसोई घर में बड़बड़ा रही थी कि ये बात उसे यशवंत ने खुद बताई है, और अब सोचो कि अगर मुक्ता ये बात जाकर मल्लारो सरकार को बता दे तो सारा मामला सुलझ जाएगा,
लेकिन बात यह भी है कि अगर मुक्ता मुकर गई तो मालेरा बोलता है कि आप ये बात हम पर छोड़ दें। तो रकमा बोलते हैं कि लेकिन मालेरा याद रहे कि किसी भी सूरत में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो मालेरा बोलता है कि नहीं आएगा काकी साहब। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मल्लारा सरकार मुक्ता से बोलते हैं कि बताओ मुक्ता, क्या तुम जानती हो कि ये डकैती किसने की है? और अगर तुम उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहती तो इशारे में बताओ। और तभी मुक्ता इशारे में बताने लगती है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।